नमस्कार, डिजिनेम सर्विस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डोमेन को अपनी वेबसाइट से लिंक करने की प्रक्रिया को जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अगर कोई वीएलई www.diginame.in से अपना डोमेन खरीदते हैं तो उन्हें 5 पेज की वेबसाइट और 1 साल की होस्टिंग मुफ्त में दी जाएगी। फ्री वेबसाइट की विशेषताएं हैं 5 पेज, मुफ्त होस्टिंग, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडलर्स, सपोर्ट गूगल एनालिटिक्स, अनाउंसमेंट एडवर्टीजमेंट सेक्शन, फीडबैक क्वेरी फॉर्म, स्लाइडर्स और फोटो गैलरी। सोशल मीडिया हैंडल्स में आप अपना फेसबुक और ट्विटर हैंडल जोड़ सकते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन में आप कोई भी घोषणा जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप अपने सेंटर पर कोई नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं या आपने अपने सेंटर पर कोई कैंप लगाया है। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप कोई भी विज्ञापन डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपने सेंटर पर किसी सर्विस या प्रोडक्ट में किसी प्रकार का ऑफर निकाल रहे हैं। फीडबैक फॉर्म में कोई भी ग्राहक जो आपके CSC सेंटर से कोई भी सर्विस लेता है, वो आपको सर्विस के लिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। स्लाइडर्स और फोटो गैलरी में आप अपने सेंटर पर होने वाली कार्य की फोटोज डाल सकते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहले आप अपना डोमेन रजिस्टर करेंगे, दूसरा आप नेम सर्वर्स अपडेट करेंगे, तीसरा आप फ्री वेबसाइट प्लान में पंजीकरण करेंगे, चौथा आप अपनी वेबसाइट की एडिटिंग करेंगे, पांचवा आप अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन के साथ लिंक करेंगे। अब हम एक वीएलई की वेबसाइट को होस्ट करने की प्रक्रिया को देखेंगे। सबसे पहले आपको अपना डोमेन खरीदना होगा। डोमेन खरीदने की प्रक्रिया के लिए आप डोमेन पंजीकरण मैनुअल को देख सकते हैं। डोमेन पंजीकरण के बाद आपको नेम सर्वर्स अपडेट करने हैं। नेम सर्वर्स अपडेट करने के लिए आप एक पंजीकृत उपभोक्ता के रूप में साइन इन करें। वीएलई सीएससी कनेक्ट द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। अब विजिट माय अकाउंट पर क्लिक करें। आपका डिजिनेम डैशबोर्ड खुल गया है। अपने खरीदे हुए डोमेन की जानकारी के लिए आप माय प्रोडक्ट्स और डोमेन पर क्लिक करें। आप अपने खरीदे हुए सभी डोमेन का विवरण यहां देख सकते हैं। जिस डोमेन को आप अपनी फ्री वेबसाइट के साथ जोड़ना चाहते हैं, उस डोमेन की कस्टमर आईडी कॉपी करें। अब मैनेज DNS सेक्शन में जाएं और यहां पर कस्टमर आईडी चुनें। कस्टमर आईडी डालें, सर्च पर क्लिक करें, लिस्ट में से अपना डोमेन चुनें। इस विंडो में आप अपने डोमेन का पूरा विवरण देख सकते हैं। आपके डोमेन का स्टेटस ओके है, इसका मतलब आपका डोमेन एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि पहले से ही आपके डोमेन के साथ 2 नेम सर्वर्स जुड़े हुए हैं। अब नीचे दिए हुए इन 4 नेम सर्वर्स को आपको अपने डोमेन के साथ जोड़ना है। इन नेम सर्वर्स को अपडेट करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपने अपने डोमेन के साथ कोई वेबसाइट होस्ट न की हो, अन्यथा आपकी पुरानी वेबसाइट का सभी डेटा डिलीट हो जाएगा। इन नेम सर्वर्स को आप तभी अपडेट करें जब आप अपने डोमेन को फ्री वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हों। अब नेम सर्वर्स अपडेट करने के लिए अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करें। अब आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ से दिए हुए पहले 2 नेम सर्वर्स को एक एक करके कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। पहले 2 नेम सर्वर्स को अपडेट करते समय आप डिलीट एग्जिस्टिंग चुनें, क्योंकि आपको पहले से अपडेट 2 नेम सर्वर्स को डिलीट करना है। अब जनरेट OTP पर क्लिक करें।
ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। अपना ओटीपी डालें, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें, अपडेट पर क्लिक करें। आपको दो नेम सर्वर्स अपडेट होने का मैसेज प्राप्त होगा। ओके पर क्लिक करें। अब बचे हुए दो नेम सर्वर्स को अपडेट करने के लिए वही प्रक्रिया का प्रयोग करें। माय प्रोडक्ट्स में जाएं, डोमेन पर क्लिक करें, कस्टमर आईडी कॉपी करें, मैनेज डीएनएस में जाएं, कस्टमर आईडी चुनें, कॉपी की हुई कस्टमर आईडी डालें, सर्च पर क्लिक करें, लिस्ट में से अपना डोमेन चुनें। अब बचे हुए दो नेम सर्वर्स को अपडेट करने के लिए एक एक करके नेम सर्वर को कॉपी करें। अब अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करें। आर यू श्योर यू वॉन्ट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू पर क्लिक करें। कॉपी किया हुआ नेम सर्वर डालें। बाकी बचे हुए दो नेम सर्वर अपडेट करते समय आप की पॉल चुनें, क्योंकि आपको पहले से अपडेट किए हुए दोनों नेम सर्वर्स को भी अपने डोमेन के साथ जोड़ना है। अब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें, अपना ओटीपी डालें, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें, अपडेट पर क्लिक करें। आपको आपके नेम सर्वर अपडेट होने का मैसेज प्राप्त होगा। अब यह देखने के लिए कि आपके द्वारा किए गए डोमेन नेम सर्वर्स अपडेट हुए हैं या नहीं, आप डोमेन्स में जाएं, कस्टमर आईडी कॉपी करें, मैनेज डीएनएस में जाएं, कस्टमर आईडी चुनें, कॉपी किया हुआ कस्टमर आईडी डालें, सर्च पर क्लिक करें, डोमेन सेलेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके चारों नेम सर्वर्स अपडेट हो चुके हैं। अब हम फ्री वेबसाइट में पंजीकरण और वेबसाइट के संपादन की प्रक्रिया देखेंगे। वेबसाइट प्लान में पंजीकरण करने के लिए www.diginim.in पर जाएं। वेबसाइट प्लान एंड इन्फॉर्मेशन में से फ्री प्लान चुनें। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें, सेलेक्ट प्लान पर क्लिक करें, सेलेक्ट पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल डालें, आप अपनी पसंद का कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए यूआरएल डालें। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अपना यूजर नेम बनाएं। अपनी ईमेल आईडी डालें। अपना पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि आपके पासवर्ड में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 शब्द हों। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए।
अपना पासवर्ड कंफर्म करें। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। आपका वर्डप्रेस पैनल खुल गया है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। अपने पंजीकृत टेम्पलेट को देखने के लिए आप अपनी साइट के नाम पर राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का 5 पेज का टेम्पलेट देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, आप इस हेडर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, आप इस होम पेज के टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, होम स्लाइडर्स, अनाउंसमेंट्स, एडवर्टीजमेंट, फोटो गैलरी और फुटर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। अगला पेज है अबाउट वीएलई। इस पेज में आप इस फीचर्ड इमेज को बदल सकते हैं, अबाउट वीएलई के टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अगला पेज है प्रोडक्ट्स का। इस पेज में आप इस फीचर्ड इमेज को बदल सकते हैं, नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को बदल सकते हैं। अगला पेज है सर्विसेज का। इस पेज में आप ऊपर दी गई फीचर्ड इमेज को बदल सकते हैं, यहाँ पर नई सर्विस जोड़ सकते हैं या कोई भी पुरानी सर्विस को यहाँ से हटा सकते हैं। अगला पेज है कॉन्टैक्ट अस का। इस पेज में आप ऊपर दी हुई फीचर्ड इमेज को बदल सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को बदल सकते हैं और अपने फीडबैक की ईमेल आईडी को बदल सकते हैं। उस ईमेल आईडी पर आपको ग्राहक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। अब हम वेबसाइट की एडिटिंग की प्रक्रिया को देखेंगे। सबसे पहले हम हेडर सेक्शन को एडिट करने की प्रक्रिया देखेंगे। इसको एडिट करने के लिए वर्डप्रेस के पैनल पर जाएं, अपीयरेंस पर क्लिक करें, थीम ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना साइट का लोगो बदलें। साइट पुराना लोगो हटाने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। नया लोगो जोड़ने के लिए ऊपर दिए गए प्लस के बटन पर क्लिक करें। अपनी इमेज सेलेक्ट करें। सेंड टू ऑप्शन ट्री पर क्लिक करें। अपना लोगो का टेक्स्ट बदलें। अपनी CSC आईडी डालें। सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अपने किए हुए बदलाव को देखने के लिए साइट पर जाएं और उसको रिफ्रेश करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा बदले गए सभी कंटेंट यहाँ पर बदल गया है। अब हम होम स्लाइडर्स को बदलने की प्रक्रिया देखेंगे। होम स्लाइडर्स को बदलने के लिए होम स्लाइडर्स पर जाएं। नया स्लाइडर जोड़ने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करें। अपने स्लाइडर का टाइटल डालें। स्लाइडर की इमेज चुनें, सेलेक्ट पर क्लिक करें, अब पब्लिश पर क्लिक करें। अपने बदले हुए स्लाइडर को देखने के लिए साइट पर जाएं, उसे रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया स्लाइडर यहाँ पर जुड़ गया है। अब हम होम पेज के टेक्स्ट को एडिट करने की प्रक्रिया देखेंगे। इसको एडिट करने के लिए वर्डप्रेस पर जाएं, पेजेस में जाएं, होम एडिट पर क्लिक करें। यहाँ से अपना टेक्स्ट एडिट करें।
टेक्स्ट एडिट करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अपडेट पर क्लिक करें। अब साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा बदला गया टेक्स्ट यहाँ पर बदल गया है। अब हम अनाउंसमेंट सेक्शन को चेंज करने की प्रक्रिया को देखेंगे। वर्डप्रेस में जाएं, अनाउंसमेंट्स पर क्लिक करें। नए अनाउंसमेंट जोड़ने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करें। अपने अनाउंसमेंट का टाइटल डालें। अपने अनाउंसमेंट की इमेज डालें। सेलेक्ट पर क्लिक करें। पब्लिश पर क्लिक करें। पुराने अनाउंसमेंट को डिलीट करने के लिए अनाउंसमेंट्स में जाएं। जिस अनाउंसमेंट को आपको डिलीट करना है उस पर जाकर ट्रैश बटन पर क्लिक करें। अब अपने द्वारा किए गए बदलाव को देखने के लिए दोबारा से साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया नया अनाउंसमेंट यहाँ पर जुड़ गया है और पुराना दिया हुआ अनाउंसमेंट यहाँ से हट गया है। अब हम एडवर्टीजमेंट सेक्शन को बदलने की प्रक्रिया देखेंगे। वर्डप्रेस पैनल पे जाएं, एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करें। नया एडवर्टीजमेंट जोड़ने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करें। अपने एडवर्टीजमेंट का टाइटल डालें। अपने एडवर्टीजमेंट की इमेज सेलेक्ट करें। सेलेक्ट पर क्लिक करें। पब्लिश पर क्लिक करें। अपने बदलाव को देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं आपके द्वारा जोड़ा गया एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। अब हम फोटो गैलरी को चेंज करने की प्रक्रिया देखेंगे। दोबारा वर्डप्रेस पर जाएं, फोटो गैलरीज पर जाएं। पुराने फोटो हटाने के लिए फोटो के नाम पर जाएं और ट्रैश पर क्लिक करें। नया फोटो जोड़ने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करें। अपने फोटो का टाइटल डालें। फोटो डालें। सेलेक्ट पर क्लिक करें। पब्लिश पर क्लिक करें। साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा डिलीट किए गए फोटो यहाँ से हट गए हैं और नया अपडेट किया हुआ फोटो यहाँ पर जुड़ गया है। अब हम फुटर सेक्शन को बदलेंगे। फुटर सेक्शन को बदलने के लिए दोबारा से वर्डप्रेस में जाएं, अपीयरेंस में जाएं, थीम ऑप्शंस में जाएं, फुटर को चुनें, अपना कॉपीराइट चेंज करें, अपना फेसबुक और ट्विटर हैंडल जोड़ें, उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। साइट पर जाएं, उसको रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा आपका कॉपीराइट जो बदला गया था वो यहाँ पर बदल गया है। अब हम अबाउट वीएलई पेज को चेंज करेंगे। उसके लिए वर्डप्रेस पर जाएं,
पेजेस सेक्शन में जाएं, अबाउट वीएलई एडिट पर जाएं, अबाउट वीएलई पेज के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यहां पर जाकर टेक्स्ट चेंज करें। सेव चेंजेस पर क्लिक करें। फीचर्ड इमेज बदलने के लिए पहले से अपडेटेड इमेज को रिमूव फीचर्ड इमेज से हटाएं। अब नई इमेज सेट फीचर्ड इमेज से अपडेट करें। सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें। अपडेट पर क्लिक करें। बदलाव को देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका अबाउट वीएलई का टेक्स्ट और फीचर्ड इमेज चेंज हो गई है। अब हम प्रोडक्ट्स पेज को एडिट करेंगे। इसकी फीचर्ड इमेज को चेंज करने के लिए वर्डप्रेस पैनल पे जाएं। पेजेस में जाएं, प्रोडक्ट्स और एडिट पर जाएं। पहली अपडेटेड इमेज को रिमूव फीचर्ड इमेज से हटाएं। नई इमेज को अपडेट करने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें। अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें, अपडेट पर क्लिक करें। अपनी साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा अपडेट की हुई इमेज यहाँ पर चेंज हो गई है। अब हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को चेंज करेंगे। नया प्रोडक्ट जोड़ने के लिए प्रोडक्ट्स में जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें, अपने प्रोडक्ट का टाइटल डालें, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालें, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डालें, प्रोडक्ट के बटन का नाम डालें, अपने प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें, अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें, पब्लिश पर क्लिक करें। चेंजेस को देखने के लिए दोबारा से साइट पर जाएं। पुराने प्रोडक्ट को हटाने के लिए दोबारा से प्रोडक्ट पे जाएं, प्रोडक्ट के नाम पर जाएं और ट्रैश बटन पर क्लिक करें। साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो गया है और पुराना प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो गया है। अब सर्विसेज पेज को एडिट करने के लिए दोबारा से वर्डप्रेस पैनल पर जाएं। पेजेस में जाएं, सर्विसेज और एडिट पर क्लिक करें। फीचर्ड इमेज चेंज करने के लिए पुरानी फीचर्ड इमेज को हटाएं। नई इमेज अपडेट करने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें, अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें और अपडेट पर क्लिक करें। चेंजेस देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा अपडेट की गई फीचर्ड इमेज यहाँ पर चेंज हो गई है। अब हम सर्विसेज को ऐड करने की प्रक्रिया देखेंगे। इसके लिए सर्विसेज में जाएं, नई सर्विस जोड़ने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करें, अपने सर्विस का टाइटल डालें, सर्विस का डिस्क्रिप्शन डालें, सर्विस का प्राइस डालें, अपने बटन का नाम डालें,
सर्विस की इमेज ऐड करने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें। इमेज चुनने के बाद सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें और पब्लिश पर क्लिक करें। चेंजेस देखने के लिए दोबारा से साइट पर जाएं। पुरानी सर्विस को रिमूव करने के लिए सर्विसेज में जाएं। सर्विस के नाम पर जाकर ट्रैश पर क्लिक करें। अब चेंजेस देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा ऐड की हुई सर्विस यहाँ पर अपडेट हो गई है और आपके द्वारा हटाई गई सर्विस यहाँ से डिलीट हो गई है। अब कॉन्टेक्ट अस पेज को एडिट करें। फीचर्ड इमेज को पहले एडिट करें, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स को एडिट करें। फीचर्ड इमेज को चेंज करने के लिए वर्डप्रेस पैनल पर जाएं, पेजेस में जाएं, कॉन्टेक्ट अस एडिट पर जाएं, पुरानी इमेज को रिमूव फीचर्ड इमेज से हटाएं, नई इमेज अपडेट करने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें, अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें, अपडेट पर क्लिक करें। चेंजेस देखने के लिए दोबारा साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज यहां से अपडेट हो गई है। अब अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एडिट करने के लिए अपीरियंस में जाएं, थीम ऑप्शंस में जाएं, कॉन्टैक्ट अस पर जाएं, यहां से अपना एड्रेस अपडेट करें। अपना फ़ोन नंबर अपडेट करें, अपनी ईमेल आईडी डालें, सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब चेंजेस देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा चेंज गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर चेंज हो गई है। अब हम फीडबैक फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी चेंज करेंगे। उस ईमेल आईडी पर आप ग्राहक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। ईमेल आईडी चेंज करने के लिए वर्डप्रेस पैनल पर जाएं, कॉन्टैक्ट में जाएं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाएं, कॉन्टैक्ट मी एडिट पर जाएं, मेल पर जाएं, टू और फ्रॉम में अपनी ईमेल आईडी चेंज करें और सेव पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो गई है। अगर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप वो फीडबैक यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाएं, कॉन्टैक्ट मी पर क्लिक करें। आपको दिए गए सारे फीडबैक यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब हमारी वेबसाइट की एडिटिंग पूर्ण हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन के साथ लिंक करने की प्रक्रिया देखेंगे। इसके लिए अकाउंट में जाएं, यहाँ पर अपना डोमेन नेम डालें, नीचे दिए गए आईपी एड्रेस को कॉपी करें। अब अपने डिजीनेम डैशबोर्ड में जाएं, जिस डोमेन को आपको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है उसकी डिटेल्स खोलें। माय प्रोडक्ट डोमेन में जाएं, कस्टमर आईडी कॉपी करें, मैनेज डीएनएस में जाएं, कस्टमर आईडी चुनें, कॉपी की हुई कस्टमर आईडी डालकर सर्च पर क्लिक करें, लिस्ट में से अपना डोमेन चुनें, कॉपी किए हुए आईपी एड्रेस को ए रिकॉर्ड में डालें, और सेव पर क्लिक करें। अब वर्डप्रेस पैनल पे जाएं, यहां पर अपना डोमेन नेम डालें और सेट कस्टम डोमेन पर क्लिक करें। अब आपका डोमेन आपका फ्री वेबसाइट के साथ लिंक हो गया है।
आप अपनी साइट को अपने डोमेन के नाम से अब सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।